हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, बिम्स्टेक सदस्य देशों के मेरे मित्र और साथी लीडर्स, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल, नमस्कार। आज पांचवी बिम्स्टेक समिट में आप सबसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज की समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। एक्सलेंसीज, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सलेंसी, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है, एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। चार्टर में हमने हर 2 साल में समिट मीटिंग्स और सालाना विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है कि एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया जाए जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मैं इस सुझाव से सहमत हूं। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप बनाएं। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो, इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। एक्सलेंसी, हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक एफटीए के प्रस्ताव पर शीघ्र प्रगति करना आवश्यक है। हमें अपने देश के उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एडीबी के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि सभी देश के संबंधित अधिकारी इसमें नियमित रूप से शामिल होंगे। एक्सलेंसी, हमारे बीच बेहतर इंटीग्रेशन, बेहतर व्यापार, बेहतर पीपल टू पीपल संबंधों का मुख्य आधार बेहतर कनेक्टिविटी है। इस पर हम जितना भी जोर दें कम है। आज हमने
बिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को एडॉप्ट किया है। इसे तैयार करने के लिए मैं एडीबी का आभार व्यक्त करता हूं। हमें इस मास्टर प्लान के शीघ्र इंप्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशिएटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपूर्ण है। एक्सलेंसी, हमारे क्षेत्र पर हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, विशेषकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। इस सेंटर के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत $3 मिलियन का योगदान करने को तैयार है। भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज पैनेक्स 21 आयोजित की। इस तरह की एक्सरसाइजेस नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि हमारे अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ काम करने की इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था मजबूत हो। एक्सलेंसीज, क्वालिटी एजुकेशन संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना हम सभी की राष्ट्रीय नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बिम्स्टेक स्कॉलरशिप योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बंगाल की खाड़ी को केंद्र में रखते हुए मरीन साइंस पर ज्वाइंट रिसर्च को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र सभी बिम्स्टेक देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे बीच वैल्यू एडेड कृषि प्रोडक्ट्स की रीजनल वैल्यू चेन बनाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए हमने भारत के एक संस्थान RIS को व्यापक अध्ययन करने का कार्य दिया है। एक्सलेंसी, सुरक्षा के बिना हमारे क्षेत्र की समृद्धि या विकास सुनिश्चित करना असंभव है। काठमांडू में हमारी चौथी समिट में हमने आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के खिलाफ क्षेत्रीय कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया था। हमने अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया था। मुझे खुशी है कि हमारा कन्वेंशन टू कॉम्बैट टेररिज्म पिछले साल से सक्रिय हो गया है। आज की समिट के दौरान हमारे बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसी तरह के अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कानूनी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बन सके। आज हमारे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ऐसा ही एग्रीमेंट हम अपने लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच भी कर सकते हैं। भारत की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपनी फील्ड में एक यूनिक वर्ल्ड क्लास संस्था है। हम इसमें बिम्स्टेक देशों के पुलिस और फॉरेंसिक ऑफिशियल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं।
एक्सलेंसी, आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारे बीच एकजुटता और सहयोग समय की मांग है। आज समय है बे ऑफ बंगाल को ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रिज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी बनाने का। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 1997 में जिन लक्ष्यों के लिए हमने साथ साथ चलने का निर्णय लिया था, उनकी प्राप्ति के लिए हमें एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने आप को समर्पित करें। प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओशा बिम्स्टेक के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं थाईलैंड का स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।